हेलो दोस्तों, मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं प्रश्न का, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया दोस्तों, तो है ओम बिरला। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NCR में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है। तो कितना लक्ष्य रखा गया दोस्तों, तो वह है 4.5 करोड़ जो है वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारम्भ कहाँ किया गया दोस्तों। तो किया गया है गुजरात में, किया गया है कहाँ, गुजरात में किया गया है। ठीक है दोस्तों, गुजरात से रिलेटेड कुछ हम आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। यहाँ का CM कौन है, यहाँ का CM है भूपेंद्र भाई पटेल जो है गुजरात के CM है। और गुजरात के राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को बोला जाता है और नर्मदा नदी जो है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। क्या जीवन रेखा कहलाती है, नर्मदा नदी। अगर एग्जाम में पूछ दे दोस्तों कि गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गुजरात की सबसे लंबी नदी जो है भादर नदी जो है गुजरात की सबसे लंबी नदी है, भादर नदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों। तो कितना पदक जीता है, तो वह 11 पदक जीता है। 11 पदक में दोस्तों सबको अलग अलग बताते हैं। स्वर्ण पदक जो है 4 जीता गया है, रजत पदक जो है 2 है और कांस्य पदक जो है 5 जो है कांस्य पदक जीता गया है दोस्तों। ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया था, ये जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जो है इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो वह राज्य कौन है दोस्तों, तो वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो है प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, और मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। यहाँ के CM है मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के CM है और यहाँ का राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों। तो कुल कितने पदक जीते हैं, तो है 29 पदक जीते हैं। ठीक है, ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने जो है कुल जो है 29 पदक जीते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं कि ब्रिक्स गेम में जो है 29 पदक में जो है स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक जो है कितना कितना जीता गया है। तो स्वर्ण पदक जो जीता गया है वो 3 स्वर्ण पदक है, रजत पदक 6 है और कांस्य पदक जो है ये 20 है। ठीक है, मैंने 20 है। ठीक है, इसका आयोजन स्थल जो था कजार रूस में किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, आयोजन स्थल है ब्रिक्स गेम्स 2024 का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस लोकसभा क्षेत्र के सदस्य हैं दोस्तों। तो वह कोटा राजस्थान के, कोटा राजस्थान के 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं कोटा राजस्थान के जो हैं लोकसभा क्षेत्र से सदस्य हैं। ठीक है, आपको राजस्थान के बारे में से दोस्तों कुछ बताते हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी जो है वह जयपुर है। यहाँ का CM जो है भजन लाल शर्मा यहाँ का CM है। राज्यपाल कौन है, हरिभाव किशन राव वागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है दोस्तों, और भी है इसमें टॉपिक है कि अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। किसको, अजमेर को जो है राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और सांभर झील भी जो दोस्तों जो खारे पानी की झील है सांभर झील, यह भी जो है राजस्थान में ही है। ठीक है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर जो है पुष्कर में है, ब्रह्मा मंदिर जो है पुष्कर में है, यह अजमेर में पड़ता है। ठीक है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर, ये भी राजस्थान में आता है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, आगे आपको बताते हैं कि थार मरुस्थल जो है ये भी राजस्थान में आता है और अरावली पर्वत भी राजस्थान में ही
है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न तब चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना दोस्तों? तो कौन बना है? तो बना है पराग्वे बना है। कौन बना है? पराग्वे बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है उसका इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ISA बोलते हैं। ठीक है, ISA बोलते हैं। इसका 100वां सदस्य कौन है? पराग्वे सदस्य बना है। ठीक है, ISA का जो स्थापना हुआ था, ISA का स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2015 को जो है इसका स्थापना किया गया था, सौर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। ठीक है, कहाँ हुआ था स्थापना दोस्तों? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में इसका स्थापना किया था। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति ने किस राज्यसभा सांसद का निलंबन रद्द करने की घोषणा की गई है? तो कौन है दोस्तों? वह है संजय सिंह। संजय सिंह को जो है राज्यसभा सांसद का निलंबन जो है रद्द करने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो नियुक्त किया गया है किनको? उनका नाम है मार्क रूट। मार्क रूट को जो है नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, नाटो के बारे में कुछ बताते हैं आपको। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एथलेटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना जो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना किया गया था। ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम, इसका जो है मुख्यालय है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपनी प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है दोस्तों? तो किसको किया है? वह देश का नाम है केन्या। केन्या देश को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुनर भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो किया जा रहा है कहाँ? दुबई में किया जा रहा है। दुबई में जो है हुनर भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न चलते हैं कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों? तो वो लॉन्च किया गया है संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप को जो है महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव के द्वारा जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है नस्ली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रति वर्ष जो मनाया जाता है वो 26 जून को मनाया जाता है। 26 जून को नस्ली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है, DRDO ने मध्यम दूरी के माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चेफ रॉकेट को हाल ही में किसे सौंपा है दोस्तों? तो किसे सौंपा गया है? तो भारतीय सेना को सौंपा गया है। ठीक है दोस्तों, DRDO के बारे में आपको बता देते हैं कि DRDO को जो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका स्थापना किया गया था 1958 में, इसका स्थापना किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामंत जो है DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न से चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नाटककार हेरोल्ड पेंटर के स्मृति में स्थापित PEN
पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो सम्मानित किया गया है अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अरुंधति राय को जो है नाटककार हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में PEN पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? तो चुना गया है, उनका नाम है दोस्तों एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को जो है एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों? तो किसको चुना गया है? तो है कपिल देव को। कपिल देव को जो है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में चैडविक हॉर्स में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है दोस्तों? तो किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा चैडविक हॉर्स में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया दोस्तों? तो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है दोस्तों? तो कितने डॉलर है दोस्तों? तो वो है 1.169 मिलियन डॉलर की जो है अमेरिका डॉलर की सहायता दिया गया है किसको? हिंदी राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।